क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड द सिस्टम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द पार्टिकल लोअर ब्लॉक एंड प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ एफ कैपिटल एफ अपॉन 2m प्लस m इन द सिस्टम. द ब्लॉक टू ब्लॉक ऑलवेज मूव टुगेदर. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड. मतलब इसके बीच का म्यू पूछा है आपसे. फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ये पूछा है. फिर फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम. ये आपसे पूछा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है ब्लॉक का, टोटल सिस्टम का, फोर्स अपॉन टू आईस ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये दिया हुआ है. अब जब हम इसको सिस्टम मान लें पूरा दोनों ब्लॉक को, तो इंटरनल फोर्स फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है. पीछे की ओर मान लेते हैं, एफ1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आगे, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लिखना चाहें ए पार्ट का ये आंसर है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए. अब यहां से अपन लिख सकते हैं फोर्स माइनस फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू टोटल नॉर्मल कितना लग रहा है इस पॉइंट पे, नॉर्मल जो हो जाएगा वो एम प्लस एम इंटू जी के बराबर. तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स माइनस म्यू ऑफ एम प्लस एम इंटू जी इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए का वैल्यू पुट करते हैं. ए का वैल्यू क्या है, फोर्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम. यहाँ से एम प्लस एम को हटा दीजिए तो क्या बच गया, एफ बाय टू. तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपना म्यू को इधर ले आते हैं, इसको इस साइड, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाय टू इंटू एम प्लस एम इंटू जी, ये हो जाएगा आपका म्यू का वैल्यू. आसान सा सवाल है. फिर उसके बाद बी पार्ट में क्या बोला गया है, बी पार्ट में बोला है आपसे कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. तो अगर हम स्मॉलर ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इससे फोर्स फ्रिक्शन का ही आगे लग रहा है, इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन है. तो हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास ब्लॉक का स्मॉल एम है और एक्सेलरेशन क्या है, पूरा सिस्टम का सेम है, तो फोर्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन. तो इसको हम लिख देते हैं क्या, एम इंटू एफ डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम, ये हो गया आंसर बी पार्ट के लिए. फिर सी पार्ट ने बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक फॉर डी. डिस्प्लेसमेंट अगर डी हो रहा है तो दोनों ब्लॉक साथ ही चल रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ये है और वर्क डन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है डी. तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट एस अगर हम लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एम स्मॉल एम एफ डी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा आपका आंसर. आसान सा सवाल है. क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज ए बॉक्स वेटिंग 200 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लाइड थ्रू 20 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 विद द बॉक्स. फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. उसके बाद फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन हैज चूज ए वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ये आपसे पूछा है. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए अपने को पता है कि क्या लिखते हैं, पहले वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. तो एक कोई ब्लॉक है जिसको कि कुछ फोर्स लगा रहा है, जो कि मान लेते हैं यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहा है, एंगल इसका थीटा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका,
और वेट इसका जो है वो दिया हुआ है आपके पास 2000 न्यूटन के बराबर। तो और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है आपके पास कितना, न्यू इक्वल्स टू 0.2। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0.2 × 2000, तो 400 न्यूटन के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन। नहीं, यहाँ पे एंगल है तो इसका ऊपर की ओर भी लगेगा। तो अब हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो अब कुछ फोर्स डायरेक्शन में हमने कुछ एंगल थीटा पे लगाया, तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहें तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नीचे की ओर क्या लग रहा है, और 2000 न्यूटन, तो ये हो जाएगा क्या, 2000 − f sin θ। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या चाहिए, f cos θ, f cos θ माइनस 0.2 × नॉर्मल, ये इक्वल टू होना चाहिए क्या, 0 के बराबर। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे हम क्या करते हैं, n का वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, f cos θ माइनस 0.2 × 2000 माइनस f sin θ, ये क्या है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि फोर्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ इक्वल्स टू 0.2 × 2000, तो क्या हो गया ये 400 / cos θ + 0.2 sin θ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ से आपसे पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द फोर्स विथ ए चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ए पार्ट में वर्क डन अगर हम निकालना चाहें तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, f s cos θ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 20 मीटर का, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स को, तो क्या हो जाएगा 8000 / cos θ + 0.2 sin θ, ये हो गया ना आंसर। सॉरी, यहाँ पे क्या, 8000 cos θ, यहाँ पे ये एंगल कुछ एंगल पे ड्रॉ कर रहा है ना, f s cos θ। अब यहाँ पे ये आंसर आपका आ गया, या फिर अगर थोड़ा सा अच्छा दिखना है इसको, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8000 / 1 + 0.2 tan θ। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। अब एस सी में आंसर जो दिया हुआ है वो क्या है, 4000। तो अपन क्या करते हैं इसमें 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 40000 / 5 + 10θ, ये हो गया आपका आंसर फॉर पार्ट ए। अब पार्ट बी में आपसे बोला गया है कि जब ये फोर्स लगा रहा है तो ये मिनिमम फोर्स है, ताकि ये एंगल जो चूज कर रहा है वो मिनिमम चूज कर रहा है, थीटा इस तरह से चूज कर रहा है ताकि मिनिमम फोर्स में ये इसको स्लाइड कर सके। तो फोर्स को अगर मिनिमम होना पड़ेगा तो क्या चाहिए, ये फोर्स अगर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए नीचे वाला टर्म, तो अपने को क्या चाहिए, cos θ, चूंकि 4000 तो कॉन्स्टेंट है, तो cos θ + 0.2 sin θ, इसको क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो dy/dθ of cos θ + 0.2 sin θ, ये क्या होना चाहिए इक्वल टू 0। इसका cos थीटा का क्या हो जाएगा, -sin θ + 0.2 cos θ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, ये साइन थीटा इधर जाएगा, कॉस थीटा नीचे, तो अपने पास आ जाता है 10θ = 0.2। तो जब 10θ का वैल्यू 0.2 रखेंगे तो अपना मिनिमम वर्क डन होगा, तो 10θ का वैल्यू 0.2 पुट कर देते हैं इस वाले में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 40000 / 5 + 0.2, तो यहाँ से आ जाता है अपना कितना
40,000 डिवाइड बाय 5.2, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ जाता है 7690 जूल के बराबर। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज द यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर वन द 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988, सेटिंग ए न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 10.54 सेकेंड। Assume that she achieved her maximum speed in very short time and then ran the race with that speed with till she crossed the line. Take her mass to be 50 kg. Calculate the kinetic energy of Griffith Joyner at her full speed. उसके बाद assume that the track, the wind etc. offered an average resistance of 1/10 of her weight. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रन। उसके बाद सर थर्ड पार्ट है, व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉइनर हैड टू एग्जर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितना मीटर का रेस था, 100 मीटर, टाइम कितना लगा, 10.54 सेकेंड, मास कितना था एथलीट का 50 kg। अब मोशन को हमने यूनिफॉर्म बोला है मानने के लिए है, तो अपन निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी क्या रही होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100 अपॉन 10.54, ये आ जाता है अपना 9.487 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, इसने पूछा है कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, तो हाफ इंटू मास कितना था इसका 50 kg इंटू वी स्क्वायर 9.48 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाता है 2 से गया ये 5, उसको अगर 100 मान ले तो 100 से भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तो 10 का स्क्वायर 100 तो हो जाएगा अपना, तो मास है 50 kg, नोट 10 kg, तो मास है 50, तो ये क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 20 50 जूल के 2250 जूल के बराबर। उसके बाद पार्ट बी, इसमें बोला है कि वेट जो है उसका वो कितना हो जाएगा एमजी के बराबर, जी अगर 9.8 लेते हैं अपन तो क्या हो जाएगा 490 जूल के बराबर, तो आर इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं, एमजी अपॉन 10 के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था फोर्स, ये क्या हो जाएगा 49 जूल के बराबर, इसलिए वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एफ डॉट एस, तो माइनस 49 × 100, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4900 जूल के बराबर वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस है। उसके बाद कितना पावर एग्जर्ट कर रही है, तो वर्क डन हमें पता है, जितना वर्क डन रेजिस्टेंस ने किया उतना वर्क डन एथलीट ने किया होगा, तो सी नंबर में क्या लिखाएंगे अपन, पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, तो 4900 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है 10.54, ये आ जाता है आपका 465 वाट के बराबर, ये हो जाएगा अपना। द हेवियर ब्लॉक इन एन एटवुड मशीन हैज ए मास ट्वाइस दैट ऑफ ए लाइटर वन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन, व्हेन द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन फाइंड द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायग्राम, एटवुड मशीन मतलब क्या होता है, पुल्ली, तो ये पुल्ली है, यहाँ से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है जिसका कि मास मान लेते हैं m है, और दूसरे का मास ट्वाइस ऑफ
लाइटर वन का है, तो मतलब इसका मास जो है वो हो गया 2m। ये टेंशन है इसमें, तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2mg। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है mg। तो दोनों के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं फ्रॉम एफबीडी, और दिया हुआ है क्या, टेंशन जो है वो 16 न्यूटन है। तो पहले हम लिखते हैं फॉर 2m के लिए, तो क्या हो जाएगा, टेंशन 2m नीचे जा रहा है, तो हो जाएगा अपना 2mg माइनस टेंशन इक्वल्स टू 2ma, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। और फॉर m हम देखेंगे, जब फॉर m के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू ma सेकेंड। अब यहाँ से हमें टेंशन तो दिया हुआ ही है, mg को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई करके दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2mg से 2mg ख़त्म, और टेंशन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो टेंशन बचा इधर, टेंशन इक्वल्स टू 4ma। तो यहाँ से अपने पास a का वैल्यू आ जाता है कितना, टेंशन अपॉन 4m। अब कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया एक सेकेंड में, अगर हम इच ब्लॉक के लिए देखना चाहें तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेस्ट में था तो u टू जीरो हो गया, तो हाफ इंटू ए क्या है, टी अपॉन 4m इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन 4m। तो यहाँ पे हम टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू क्या है, 16 अपॉन 4m, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन m के बराबर। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो 4 अपॉन m, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू 2 बाय m के बराबर। अब एक ब्लॉक नीचे आया है और एक ब्लॉक ऊपर गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट s जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब हमसे पूछा है कि डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल, फाइंड द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखेंगे, तो क्या हो गया, पहला वाला जो ज़्यादा है वो नीचे आया है, तो 2mgh माइनस mgh, तो ये डिक्रीज निकाल रहे, तो उल्टा माइनस साइन ले लिया था पहले अपन ने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mgh के बराबर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, m इंटू 9.8 इंटू h क्या हो गया, h के बराबर, जो कि है 2 बाय m, तो m से m कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 19.6 जूल के बराबर, ये डिग्री जा रहा है। यहाँ पे ये कैसे लिखा था अपन ने, डेल्टा पी ई लिख रहे हैं, तो पी टू मास वाले के लिए माइनस पी ऑफ वन मास, डिग्रीज किया है, तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि टू ब्लॉक इन एन एटूड मशीन हैव मासेज 2 kg एंड 3 kg, फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। 4th सेकेंड में ग्रेविटी से कितना वर्क डन होगा, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एटूड मशीन है ये, और यहाँ से ब्लॉक का मास दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ये है 3 kg का और ये है 2 kg का। तो यहाँ मान लेते हैं एक्सेलरेशन जो है वो 3 kg वाला नीचे आ रहा है, 2 kg वाला ऊपर जा रहा है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 30 - 20 अपॉन टोटल मास 5 kg, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 m/s², ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, इसने पूछा है कि 4 सेकेंड में सिस्टम में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, तो एस इन 4 सेकेंड अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय टू इंटू 2n - 1, ए बाय टू इंटू 2n - 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए बाय टू क्या हो जाएगा, 2 बाय टू इंटू
टू इंटू एन क्या है, फोर्थ सेकेंड, तो फोर माइनस वन, तो यहाँ से आपके पास एस का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, टू से टू गया तो वन हो गया, चार दूनी आठ, माइनस एक गया तो ये 7 मीटर के अराउंड आ जाएगा। अब 7 मीटर ये है, और मास जो है वो 3 kg वाला नीचे आ रहा है और 2 kg वाला ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 kg वाले के लिए पॉजिटिव होगा, नीचे मास वही लग रहा है और नीचे ही ब्लॉक भी आ रहा है, तो क्या हो गया 30 × 7 माइनस 2 kg वाला ऊपर जा रहा है सेम डिस्टेंस से, तो उसपे क्या लग रहा है 20 × 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 27, तो 210 माइनस 140, तो 40 × 7 = 70, तो 70 जूल के अराउंड आ गया आंसर। तो आंसर में अगर आपके पास दिया हुआ 67 जूल, मतलब जी का वैल्यू हम अगर 9.8 पुट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, आसान सा सवाल था ये भी। इसके बाद अगर आपको जिसे फॉर्मूला नहीं पता है, अगर एस फोर सेकेंड का नहीं पता है तो क्या करेंगे, एस फोर के लिए निकाल लेंगे और माइनस एस थ्री सेकेंड, तो ये जो आ जाएगा वो एस फोर सेकेंड का आ जाएगा, तो यहाँ से भी अपन कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में दिया हुआ है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 8E2, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज found to have a speed of 3 meter after it has descended through a distance of 1 meter. Find the coefficient of friction between the block and the table. तो ये म्यू निकालने के लिए आपसे बोला गया है। ठीक है, तो इसमें म्यू कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्व करवा देंगे तो हमें म्यू का पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए ये अगर जा रहा है भी से, तो इसको कितना से जाना पड़ेगा, ये अगर नीचे जाएगा भी से, तो इसको दोनों साइड स्ट्रिंग जा रहा है तो ये 2V से जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले क्या क्या दिया ये लिख लेते हैं अपन, M1 इक्वल्स टू क्या है 4 kg, M2 इक्वल्स टू 1 kg, लेट से कि इसका सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, तो इसके फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा, μ × 4g के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद जब ये आगे स्लाइड कर रहा है तो इसका नीचे कुछ डिस्टेंस आया है जो कि दिया है इसने 1 meter मूव किया है, तो ये कितना मूव किया होगा 2s के बराबर, मतलब 2 meter मूव किया होगा, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अब क्या लिखेंगे अपन, अप्लाइंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक क्या आ गया, पहले इनिशियली क्या था रेस्ट में था, फाइनल क्या आ गया दोनों का वेलोसिटी, तो हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² इक्वल्स टू, इसके लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ पॉजिटिव, तो mg × h1 माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसके लिए निगेटिव है, तो माइनस म्यू एम जी 4g इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है 2, तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं सबके लिए, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1 × v1 कितना है इसका 0.3 का² प्लस हाफ इंटू 4 × 0.3 का डबल 0.6 का² इक्वल्स टू 1 × g, जी को अपन मान लेते हैं 9.8 रखेंगे तो 10 रख लेते हैं, चलो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो 10 × 1 माइनस μ × 40 और 2, तो 80 हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, और कोई फोर्स नहीं है, तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 0.09 / 2, इसको लिख सकते हैं अपन
0.045 प्लस 36, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 0.72 इक्वल्स टू माइनस 80 म्यू प्लस 10। यहाँ से आपका म्यू का वैल्यू जो आ जाता है वो आ जाता है 9.235 डिवाइड बाय 80, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.12 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 35, इट सेज इन ए चिल्ड्रंस पार्क देर इज ए स्लाइडिंग ट्रैक, देर इज ए स्लाइड विच हैज ए टोटल लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड हाइट ऑफ 8 मीटर, वर्टिकल लीडर आर प्रोवाइडेड टू रीच द टॉप। तो ये मतलब आपके पास हो गया 8 मीटर और ये है 10 मीटर। ए बॉय वेटिंग जिसका कि वेट 200 न्यूटन है क्लाइम्स अप द लैडर टू द टॉप ऑफ द स्लाइड एंड स्लाइड्स डाउन द ग्राउंड, द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/4 ऑफ हिज वेट, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप, द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन, एंड वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप। सबसे पहले ए पार्ट में इसका मास mg दिया हुआ है 200 न्यूटन। तो जब ये बोला है फर्स्ट पार्ट में कि वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लेडर, तो लेडर पे जब आदमी जा रहा है तो लेडर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, लेडर तो वहीं का वहीं है। तो वर्क डन बाय बॉय जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू वर्क डन बाय बॉय ऑन लेडर, बॉय ऑन लेडर जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लेडर का कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। उसके बाद बी पार्ट में बोला है कि वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन, तो जब ये नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय स्लाइड क्या होगा, फ्रिक्शन के बराबर, ऊपर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन का कितना वैल्यू है 3/10 ऑफ वेट, तो 3/10 इंटू 200, तो ये हो गया 60 न्यूटन के बराबर फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइड किया 10 मीटर, तो वर्क डन बाय स्लाइड हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू फोर्स है तो माइनस 60 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 600 जूल के बराबर। नाउ सी पार्ट ने बोला है कि द वर्क डन बाय द लेडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, जब लड़का ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय लेडर कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट लड़का कितना हो रहा है, ऊपर गया तो वर्टिकली ऊपर मान लेते हैं तो 8 मीटर, उसने कितना फोर्स लगाया, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ऐसे ये हो गया, फोर्स कितना लगाया एम जी के बराबर जो कि 200 न्यूटन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 200 इंटू 8 इक्वल्स टू 1600 जूल के बराबर। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन लोग को ये होता है कि जब बॉय लेडर पे वर्क डन जीरो कर रहा है तो लेडर ने वर्क डन कैसे कर दिया, लेडर का कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, कितना भी फोर्स लगा रहा है तो लेडर मूव ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा जीरो होगा, बॉय ऊपर गया उसे नॉर्मल फोर्स लगा लेडर की वजह से तो उसके वजह से ऊपर गया है वो, तो वर्क डन उसका एम जी एस के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम ओवरहैंग्स ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ हिज 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कोई एक टेबल है, इसके ऊपर कुछ मास रखा हुआ है, चेन रखा हुआ है जिसका कि 2/3 पार्ट ऊपर है 1/3 पार्ट नीचे हैंग कर रहा है, अब इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स म्यू इंटू एन के बराबर, और ये नीचे स्लाइड कर रहा है, तो जब पूरा स्लाइड हो जाएगा तो इसका वर्क डन कितना होगा, हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि एक्स लेंथ जो टेबल का जब टेबल पे है चेन का अपन लिख लेते हैं, लेट एक्स लेंथ ऑफ चेन 2/3 दिया हुआ, बट हम अपन एक्स लेंथ जब एक्स बटा है एक्स पार्ट बचा है तब क्या हम निकालें जनरल कंडीशन, लेट एक्स लेंथ ऑफ चेन इज ऑन टेबल एट एन इंस्टेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा,
डी एक्स एलिमेंट छोटे से पार्ट के लिए हम अगर देखें तो डी एक्स एलिमेंट के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, म्यू एन इंटू एक्स के बराबर। ये पार्ट जो है वो एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा, तो ये छोटा सा पार्ट है ये एक्स जाएगा, तब तो यहाँ पे डी एक्स नहीं, ये पार्ट डी एक्स, तो ये लेंथ जब पूरा एक्स डिस्टेंस कवर करके नीचे चला जाएगा, तब इसने कितना वर्क किया फ्रिक्शन ने, म्यू एन एक्स के बराबर। अब म्यू क्या हो जाएगा, पहले अपन लिखते हैं, डी एम क्या हो जाएगा, एम बाय एल इंटू डी एक्स के बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं म्यू एम बाय एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, टू एल बाय थ्री, पहले एक्स, ये एक्स कितना था, टू एल बाय थ्री, और जब ये पूरा चेन नीचे आ जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो टू एल बाय थ्री से जीरो के लिए अपन लिखते हैं म्यू एम जी बाय एल इंटू एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू सब चीज़ कॉन्स्टेंट है, म्यू एम एल जी ये सब कॉन्स्टेंट है, तो म्यू एम जी बाय एल को बाहर निकाल लिया, और एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, कहाँ से कहाँ तक, तो टू एल बाय थ्री से जीरो तक, तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे जीरो ही हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू एम जी बाय एल इंटू फोर एल स्क्वायर अपॉन तीन तीन नौ दूनी 18, तो यहाँ से आ जाता है आपका माइनस 18, दो नंबर 18, दो दूनी 4, तो टू म्यू एम जी एल अपॉन 9, ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर फिक्स्ड फ्रॉम बिलो, द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव ए लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज। ठीक है, तो अपना मान लीजिए कि स्प्रिंग था ये, यहाँ पे ब्लॉक रख के इसको कंप्रेस किया गया है, टेन सेंटीमीटर मान लेते हैं इसका नेचुरल लेंथ यहाँ तक था, ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ से रिलीज किया गया, हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज। तब हमें पता है कि ब्लॉक हम मान लेते हैं कि कुछ हाइट एच तक गया, कितना गया हमें नहीं पता, एच हमें निकालना है, मतलब इस पॉइंट से कितना हाइट तक गया है ब्लॉक, तो क्या करेंगे हम लोग, मास दिया हुआ है एम इक्वल्स टू 0.25 kg, के इक्वल्स टू कितना है 100 न्यूटन पर मीटर, उसके बाद कंप्रेशन कितना था 0.1 meter 10 सेंटीमीटर बराबर, तो हम क्या करते हैं लॉ ऑफ हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज, तो ब्लॉक कितना ऊपर तक जाएगा, तो हम मान लेते हैं ब्लॉक जब एच हाइट तक गया है तो ये स्प्रिंग का नीचे वाला पार्ट कनेक्टेड है, ऊपर वाला पार्ट फ्री है, तो ब्लॉक ऑलमोस्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग से कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है ऊपर जाते जाते, तो क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, के का वैल्यू क्या 100, एच का एक्स का वैल्यू क्या था 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय मास है 0.25 और 2 इंटू 0.25 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाता है 0.2 meter के बराबर, ये आ जाता है 20 सेंटीमीटर।
तो ये एच जो है वो 20 सेंटीमीटर तक ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43, इट सेज फिगर शोज ए स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द इंक्लाइन एट ए पॉइंट 4.8 मीटर अवे। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस है आपका 4.8 मीटर और ये कंप्रेस कर रहा है 20 सेंटीमीटर तक, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 मीटर के बराबर। द ब्लॉक कंप्रेसेज द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर स्टॉप्स मोमेंटली एंड देन रिबाउंड्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। अब फाइंड करना है, फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक। बी नंबर में द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अपने को दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि अननोन भी दो है, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन पहले अपन लिख लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया लॉन्ग इंक्लाइंड 5 के बराबर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इसके लॉन्ग एम जी साइन थीटा लग रहा है इधर। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस ये टोटल वर्क डन जो होना चाहिए वो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। तो अपन या फिर इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर भी लिख सकते हैं, इनिशियल का कितना था ये पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल क्या बच रहा है। तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू 5 माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 5 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, मास है 2 kg का, 10 × sin 37 3/5 × 5 माइनस म्यू, फिर एम जी 20 × 4/5 × 5 इक्वल्स टू हाफ के इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25। यहाँ से ये 5 5 ख़त्म, तो ये आ जाता है इक्वेशन आपका। तो ये आ जाता है इक्वेशन यहाँ पे कितना 60 माइनस 80 म्यू माइनस 12.5 के इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं। नाउ फॉर अपवर्ड मोशन, नाउ फॉर अपवर्ड मोशन, ब्लॉक जब ऊपर गया है तो कितना 1 मीटर तक गया है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा एम जी के द्वारा वर्क डन क्या हो गया माइनस एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 1 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉरी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये टोटल जो है वो बराबर टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसमें आ जाता है आपके पास जब एम जी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 12 प्लस सॉरी माइनस 12 माइनस 16 म्यू प्लस 0.02 के इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को हम जब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ से हम म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू 0.5 के बराबर आ जाएगा। फिर पुट म्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो फर्स्ट में मान लेते हैं पुट कर देते हैं, तो यहाँ से के का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 1000 न्यूटन पर मीटर। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस
with velocity v meets a long horizontal spring fixed at 1 in and having a spring constant k as shown in the figure. Find the minimum compression of the spring, find the maximum compression of the spring. Will the velocity of the block be same as v when it comes back to the original position? जैसा कि दिखा रहे, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला अपन निकाल लेते हैं कि कितना कंप्रेस कर सकता है। तो जब कंप्रेस करेगा मैक्सिमम, तो मान लीजिए कि ये मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया, ब्लॉक यहाँ पे मोमेंटली रेस्ट में आ जाएगा, v इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इसके पास टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल, एनर्जी कंजर्वेशन करा रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास हाफ हाफ खत्म, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी रूट अंडर एम बाय के, ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। फिर बी पार्ट ने बोला है कि विल द फर्स्ट ब्लॉक बी सेम एज वी व्हेन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। तो हमें पता है कि जब फिर से ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा तो पार्टिकल कुछ इस टाइप से मूव कर रहा होगा, स्प्रिंग फिर से नेचुरल लेंथ में आ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, और ब्लॉक कुछ इस टाइप से इधर मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन सेम है क्या, यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी, स्पीड नहीं पूछा। सो हम लिखेंगे नो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपोजिट टू द इनिशियल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या अपोजिट है, ठीक है। फिगर शोज टू ब्लॉक्स ए एंड बी इच हैविंग मास ऑफ 320 ग्राम कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुल्ली, द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द ब्लॉक ए कैन स्लाइड इज स्मूथ। मतलब ये वाला जो सरफेस है ये क्या है, म्यू इसका जीरो है, स्मूथ है। द ब्लॉक ए इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 40 न्यूटन पर मीटर हुज अदर एंड इज फिक्स्ड एट ए सपोर्ट 40 सेंटीमीटर एवव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये 0.4 मीटर एवव है, 40 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं अपन। इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच्ड, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज टू मूव फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट, टेक जी इक्वल्स टू 10। ये निकालना है अपने को, तो यहाँ पे जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कुछ इस टाइप से मूव करना चलेगा, ये नीचे जाएगा, लेट से कि कुछ एस डिस्टेंस नीचे जाता है, तो ये ब्लॉक आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, स्प्रिंग जो है वो कुछ इस टाइप से स्ट्रेच हो जाएगा, तो अपने को निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग में स्ट्रेच जो है वो एक्स है, तो ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो क्या हो जाएगा के एक्स कॉस थीटा, और नीचे क्या लग रहा है एम जी। जब ये लिफ्ट ऑफ कर रहा है उस समय क्या होना चाहिए, के एक्स कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस एस मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, इसमें मान लीजिए स्प्रिंग कौन, स्प्रिंग में स्ट्रेच जो है वो एक्स हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, ये ट्रेंगल देखते हैं अपन पहले। यहाँ पे जब स्ट्रिंग स्ट्रेच है तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 प्लस एक्स, ये है 0.4, ये एंगल है थीटा, तो अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0.4 डिवाइड बाय 0.4 प्लस एक्स। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 320 ग्राम इक्वल्स टू 0.32 केजी, के इक्वल्स टू कितना है 40 न्यूटन पर मीटर, एच इक्वल टू क्या है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर जो स्प्रिंग का हाइट है, मतलब स्प्रिंग किस पॉइंट से हैंग कर रहा है वो वाला। तो फ्रॉम एफबीडी हम देख सकते हैं कि अपने पास के एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है एम जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी अपॉन के एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा
कॉस थीटा का वैल्यू आपने निकाला था 0.4 अपॉन 0.4 प्लस एक्स, तो यहाँ से एम जी क्या हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय के है 40, तो 40 एक्स इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.4 प्लस एक्स। यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 0.4 और ये 40x है, तो हो जाएगा ये क्या डायगोनल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16x इक्वल्स टू 3.2x प्लस 1.28। तो यहाँ से अपना x का वैल्यू जो आ जाता है वो आ जाता है 0.1 मीटर के बराबर। ठीक है, तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है s, s कितना हो जाएगा, सो s इक्वल्स टू इसका स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो ये क्या है 0.4 प्लस एक्स, तो 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो यहाँ से s का वैल्यू आपका आ जाता है रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 0.3 मीटर ऐसा आ गया। तो अब हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसका भी हो जाता है, अपने से पूछा क्या है जैसे जनरली फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, तो अब वेलोसिटी हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन करवा देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जब पार्टिकल यहाँ पे ब्रेक ऑफ कर रहा है यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे इनिशियल क्या था जीरो, तो फाइनल भी टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, चूंकि दोनों का मास सेम ही है तो इंटू टू कर देते हैं इक्वल टू ये कितना नीचे आया है तो एम जी एस के बराबर, तो ये हो जाएगा एम जी एस प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू सबका हमें पता ही है, मास भी पता है भी पता है भी कैलकुलेट करना है, एस पता है एक्स पता है, तो सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मास है इसका 0.32, तो 2 से ये कर कैंसिल हो गया, तो 0.32 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.32 इंटू 10 इंटू 0.3 प्लस हाफ इंटू 40 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आया था 0.1 का स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो भी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। आसान सवाल था, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एलोंगेशन जो हम ले रहे हैं वो इसकी अलोंग ले रहे हैं 0.4 प्लस एक्स हो गया ये साइड, तो ये वाला जो लेंथ है ये स्प्रिंग के इलोंगेशन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना था इसमें, बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में बोला गया है कि फिगर शोज ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल रिजिडली अटैच्ड टू ए स्मॉल हैवी ब्लॉक एट वन एंड एंड ए हुक एट द अदर एंड, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ द रॉड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजिशन, there is a fixed smooth ring at high depth h below the initial position of the hook and the hook gets into the ring at it reaches there, what should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circle about the ring, to ye apna h height se yahan pe hum log isko drop kar rahe hain aur ye iske sath niche jaate hain ye hook mein phas jata hai, to hook mein phasne ke baad ye kya hoga rotate karne lagega is type se, तो ये बोल रहा है कितना एच होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कल में रोटेट करने लगे, तो हम मान लेते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे जा आएगा अगर, तो इसको कंप्लीट सर्कल में मूव करने के लिए क्या चाहिए ये अपना है रॉड से कनेक्टेड है, तो अब मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए ताकि ये
क्रॉस कर सके। हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, रूट अंडर 4gl के बराबर, तो इतना वेलोसिटी अगर होगा इसके पास तो ये पॉइंट सी को आराम से क्रॉस कर जाएगा। रॉड का केस है, कैसे निकालते हैं अपन, मान लो यहाँ पे रॉड कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ हमने स्पीड दिया यू, तो यहाँ पे जाने के लिए रॉड है तो वो सिलेक्ट तो करेगा नहीं, बट यहाँ पे भी जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो कंप्लीट कर जाता है। तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इन टू, हाइट कितना टोटल 2l के बराबर, तो यहाँ से आपके पास यू आता है रूट अंडर 4gl के बराबर, ये बस याद हो गया आपको। तो अब यहाँ से पार्टिकल h हाइट से गया तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा इसका, इसका लेंथ l है, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होना चाहिए वो इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या है, एम जी इन टू एच प्लस एल इक्वल्स टू हाफ एम इन टू यू, यू क्या है रूट अंडर 4gl, तो इन टू 4gl, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी को हटा देते हैं एम जी, तो एच प्लस एल इक्वल्स टू 2l के बराबर, तो यहाँ से आपके पास एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल के बराबर। तो इस हाइट से अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे एच जो है वो इक्वल्स टू एल होगा अगर, तो ये कंप्लीट सर्कल में मूव कर सकेगा। आसान सवाल था, आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 54। इट सेज ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ए 100 ग्राम बॉल, द बॉल इज पुश्ड असाइड सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल एंड इज रिलीज्ड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज एट इट्स लोएस्ट पोजिशन। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या किया हमने, कोई एक स्ट्रिंग से एक बॉब हैंग कर रहा था, इसको हमने कुछ पुश किया, यहाँ तक मान लेते हैं पुश किया है, ये एंगल जो बना रहा था वो था 37 डिग्री का और इसका लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर के बराबर। अब ये बॉल जब इसके लोएस्ट पोजिशन पे आएगा, इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे आया, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, न्यूटन्स पर लगा रहे हैं अगर हम लोग, तो अब हमें क्या करना है, वी निकालना है। तो इसमें हाइट का डिफरेंस कितना आया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ये एच अगर हम लिखना चाहें तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस 37 डिग्री। तो पहले हमें वी कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, क्या करेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच के बराबर, एम को हटा देते हैं, तो यहां से अपने पास वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2gh, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू एच का वैल्यू क्या है, एल मतलब 0.5 इंटू 1 माइनस कॉस 37 होता है 4/5। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो या फिर वी स्क्वायर ही लिख सकते हैं, जब वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 तो 1/5, तो ये गया खत्म 5 से, ये 5 खत्म हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर टेंशन क्या होना चाहिए, टेंशन इक्वल्स टू एम जी, मास कितना है इसका 100 ग्राम मतलब 0.1 इंटू 10 प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, 0.1 इंटू वी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय आर कितना है 0.5 के बराबर, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये 10 आया तो ये 10 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर जब पुट करें तो ये 2 के बराबर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना 5 और 2 7 7/5 के बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1.4 न्यूटन के बराबर, तो 1.4 न्यूटन इज द आंसर, टेंशन होगा स्प्रिंग में 1.4 न्यूटन के बराबर। आसान सवाल था 57।
So question number 57, it says a heavy particle is suspended by 1.5 meter long string. It is given a horizontal velocity of root 57 meter per second. Find the angle made by the string with the upward vertical when it becomes slack. मतलब यहाँ पे बोला गया आपसे ये पार्टिकल है कोई सर्कुलर पास में मूव कर रहा था, यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी कुछ दिया है और जब ये स्लैक कर रहा है मतलब मान लेते हैं कुछ इस पॉइंट पे ये स्लैक कर रहा है तो आपसे ये एंगल पूछा है वर्टिकल से एंगल पूछा है थीटा कितना पे स्लैक करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये सवाल ये भी है और यहाँ पे यू दिया है आपका रूट अंडर 57 मीटर पर सेकेंड। तो हम कैसे निकालेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने सेम मेथड, इसमें तीन पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। अरे ये पार्टिकल जब यहाँ पे स्ट्रिंग सिलेक्ट हो जाएगा ना तो इस पॉइंट पे पार्टिकल कुछ वेलोसिटी लेट से की भी है अगर ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा इस टाइप से कुछ मूव करेगा। तो सी पार्ट में जो मैक्सिमम हाइट पूछा है तो वो ये वाला हाइट एच और प्लस ये टोटल लेंथ एड हो जाएगा अपना। ठीक है तो अपन करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले ए पार्ट के लिए तो अब जब इस पॉइंट पे सिलेक्ट हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा एम से एम कैंसिल वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल कॉस थीटा। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन वन। नाउ टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इसमें क्या हो जाएगा हाफ एम इंटू वी यू स्क्वायर। हाफ एम वी इनिशियल एनर्जी कितना था 257 है तो हाफ एम इंटू 57 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हाइट इसका कहाँ तक जा रहा है ये सेंटर से यहाँ तक आर था और ऊपर इतना और है तो ये लेंथ कितना है आर प्लस आर कॉस थीटा। तो और लेंथ दिया गया 1.5 मीटर अपन वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू 57 बाय 2 या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड तो 57 माइनस एम से एम पूरा कैंसिल हो गया था 2 जी इंटू 1.5 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अपन मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 57 माइनस 2 जी एल है 1.5 यहाँ से लिख सकते हैं अपन सीधा क्या 3 जी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू जी इंटू 1.5 इंटू कॉस थीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 57 और 3 जी है तो 30 तो आ गया अपना 27 तो यहाँ से आ जाता है अपना क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू 27 अपॉन जी एल मतलब 15 15 इंटू 3 है इधर इधर आएगा तो 1.5 से ऐड होगा तो 4.5 इंटू 10 तो 45 27 अपॉन 45 आ गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या 9 × 3 = 27 9 × 6 = 45 तो ये क्या हो गया 3/5 तो यहाँ से अपने पास थीटा का वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपका 53 डिग्री के बराबर। अब थीटा हमें पता है तो अब पार्ट ए में थीटा पूछा था अब ये वर्टिकल से कितना एंगल पे जाके सेलेक्ट हुआ तो 53 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बी पार्ट में बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। स्पीड हमें निकालना है तो ये फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट कर देंगे तो वी इक्वल्स टू क्या था रूट अंडर जी एल कॉस थीटा मतलब क्या हो गया रूट अंडर 10 इंटू 1.5 इंटू कॉस थीटा मतलब 3/5 ये दशमलव से ये 10 खत्म और ये 5 से 3 तो ये आ गया कितना 3 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल जब सिलेक्ट कर रहा है तो उस समय 3 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होगा।
उसके बाद सी पार्ट में बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब स्ट्रिंग सिलेक्ट कर गया तो स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं रहा तो पार्टिकल इसे मूव करेगा, तो ये हाइट जो है वो एच मान लेते हैं अपन। तो टोटल हाइट कितना रीच किया है, टोटल हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कहाँ पे जाके सिलेक्ट हुआ था वो पॉइंट तक, तो एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा एल का 1.5 प्लस 1.5 इंटू कॉस थीटा कितना था 3/5, 3/5 प्लस एच। एच क्या है, यू स्क्वायर प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम हाइट कितना होता है जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो तो रेंज का है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर अपने पास आ गया है कितना 1.5 प्लस ये दशमलव गया तो 10 पाँच दियाए 15, तो 1.5 प्लस 0.9 प्लस, अब ये क्या है यू स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9 इंटू साइन 53 कितना होता है 4/5, तो 4² / 5² तो 4×16 अपॉन 25 इंटू 2 इंटू 10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं सबको ऐड उड करके तो अपने पास जो आ जाएगा वो आ जाता है 0.5 से बोला है, तो ये लेंथ अपन क्यों ऐड कर लें, तो ये 0.9 प्लस 9.6 9 इंटू 16 अपॉन 25 दूनी 50 500, ये आपका जब सॉल्व करते हैं अपने पास तो आ जाता है 1.2 मीटर के बराबर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एंगल था 53 डिग्री, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड और टोटल हाइट 1.2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसका आंसर। A simple pendulum of length L having a bow of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released. The string hits a peg which is fixed at a distance x below from the point of suspension and the bow starts going in a circle centered at the peg. Assuming that initially the bow has a height less than the peg so that the maximum height reached by the bow equal its initial height. If the second part, if the pendulum is released with theta equals to 90 degree and x equals to L by 2, the peg connected over x equals to L by 2 pe, find the maximum height reached by the bow when its lowest position before the string becomes slack. सी पार्ट में बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय एल फॉर विच द बॉब गोज इन ए कंप्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। जब हमने कुछ एंगल थीटा से इसको रिलीज किया है, जैसे यहाँ से अपन ने एक थीटा एंगल से इसको रिलीज किया है और ये पेग है कुछ इस पॉइंट पे बना हुआ है, ये लेट से कि एक्स है, तो ये पार्टिकल यहाँ से टकराने के बाद स्ट्रिंग सीधा हो जाएगा और यहाँ तक जाएगा। तो हमें दिखाना है कि हाइट जो गया इसका, अभी जो हाइट था वो सेम हाइट तक जा रहा है, इसको ड्रॉ करके ठीक से थोड़ा ये कुछ यहाँ तक आ रहा है, ये अपने को दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी कंजर्व करवा लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये अपना पहले यहाँ पे था, तो बाय एनर्जी की चूंकि पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग नहीं रहा है एमजी के अलावा, जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, सो हम लिख सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं बी, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू
टोटल एनर्जी एट पी, अब यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में था, यहाँ भी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो ये तो जीरो है क्योंकि रेस्ट में पार्टिकल जब तक मूव करता रहेगा तब तक वो हाइट ऊपर बढ़ता रहेगा, पार्टिकल जब रेस्ट में आ जाएगा तभी तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये आपका आधा इक्वेशन, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम जी एच ए इक्वल्स टू एम जी एच बी, तो यहाँ से एम जी तो सेम ही है, मास बराबर सेम है, तो हाइट ए इक्वल्स टू हाइट बी, हेंस प्रूव, ये हो जाएगा अपना आसान सा चीज़ है। फिर इसका मेन सेकेंड और थर्ड पार्ट काफ़ी अच्छा है। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि इफ द पेंडुलम इज रिलीज विथ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और पेग जो है वो एक्स इक्वल्स टू एल बाई टू पे दिया हुआ है, मतलब इसमें कुछ इस टाइप से कंडीशन है आपका, मान लीजिए यहाँ पे बॉल है और हमने यहाँ से कुछ इस टाइप से इसको 90 डिग्री एंगल तक ले गया, मतलब इसका 90 थोड़े मतलब इसको यहाँ तक लेकर गए बॉल को, और ये पैग जो है वो इसके एल बाई टू डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है, तो जब इसको हम रिलीज करेंगे तो ये नीचे जब आएगा तो कुछ इस टाइप से आएगा, ये लेंथ तो सीधा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में, फिर इसके आगे जो पार्ट है बॉल का, मतलब यहाँ पे कुछ इसके पास वेलोसिटी रहेगा, तो ये मूव करता हुआ एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके इसका स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, तो इस पॉइंट पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा भी, अपन मान लेते हैं कि ये एंगल जो दिया हुआ है ये अल्फा है, तो यहाँ से ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, नीचे की ओर क्या लग रहा है एम जी, बाहर की ओर क्या लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन एल बाय टू, लेंथ अब क्या बचा है यहाँ पे, ये कौन से पार्ट में घूम रहा है, रेडियस जिसका बचा है वो एल बाय टू बचा है, एल बाय टू तो ऊपर पैक के साथ ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, ये मूव करेगा नहीं, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना होगा, ये एंगल पहले था 90 डिग्री पे, लेंथ टोटल एल था, जब स्ट्रिंग स्लैग हो रहा है तो एम वी स्क्वायर बाय आर, और एम इधर क्या लग रहा है स्ट्रिंग के अलोंग एम जी कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं व्हेन स्ट्रिंग स्लैग्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एल बाई टू इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, यहाँ से आपके पास एम से एम को हटा दीजिए तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी एल कॉस थीटा डिवाइड बाय टू, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। अब बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व हम किसके किसके बीच में करवा रहे हैं, इस पॉइंट के बीच में, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, ए पर क्या था ये कितना हाइट ऊपर था इससे दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या है ये अपन देखते हैं, ये हाइट का डिफरेंस क्या होगा एच हाइट जो है दोनों के बीच का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा एच इक्वल्स टू एल लेंथ, टोटल क्या लेंथ है एल बाय टू माइनस ये लेंथ क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट एल बाय टू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, इनिशियली रेस्ट में था तो एम जी एल बाय टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू फाइनली क्या है पार्टिकल इस पॉइंट पे आके कुछ वेलोसिटी के पास आ रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से फिर एम एम हटा दीजिए टू से टू को भी हटा दीजिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल बाय टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें जगह की दिक्कत हो गई है, ये इधर लिखते हैं अपन
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एल बाई टू इंटू वन प्लस वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू जी एल बाई टू कॉस थीटा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू जो आ जाता है वो जी एल, जी एल हटा दीजिए तो वन बाई टू और इधर से जाएगा वन बाई टू तो आ जाएगा आपके पास, ये इसको भी हटा देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, एल स्क्वायर बाई टू तो कैंसिल हो गया था ना, वी स्क्वायर बाई टू जी एल था तो यहाँ पे टू नहीं है तो ये टू बचेगा। तो अब इसको हम जब ऐड करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास टू बाय थ्री। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब एवर इट्स लोएस्ट पोजिशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, तो स्ट्रिंग जस्ट स्लैक हो रहा है उस पॉइंट तक, मतलब यही पॉइंट पूछा था। तो एच हम लिखना चाहेंगे लोएस्ट पॉइंट से ये कितना हाइट तक गया है, ये वाला पॉइंट ये क्या है एच, तो ये क्या हो जाएगा अपन लिखना चाहें अगर इसको मान लेते हैं लोएस्ट पॉइंट है तो बी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा सीधा मान लो आप कैपिटल एच, कैपिटल एच इक्वल्स टू क्या होगा टोटल लेंथ यहाँ से नीचे तक एल था, एल माइनस एच लिख लेंगे तो एल माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस एल बाय टू माइनस एल बाय टू कॉस थीटा, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है ऊपर से हाइट कम हुआ है एच का और ये डिस्टेंस एल, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा है और ये एल से माइनस कर रहे हैं अपन, तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा कितना है टू बाई थ्री, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एल माइनस, तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ये क्या हो जाएगा एल माइनस एल बाय टू माइनस एल बाय टू इंटू टू बाय थ्री, तो ये आ जाता है आपके पास एल माइनस एल बाय सिक्स, तो क्या बचेगा अपने पास फाइव एल बाय सिक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये लोएस्ट पोजीशन से फाइव एल बाय सिक्स हाइट तक बॉब जाएगा ऊपर की ओर। उसके बाद पार्ट सी, पार्ट सी में बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय एल फॉर विच द बॉब गोज इन ए कम्प्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं एक्स हाइट पे यहाँ से हमने कुछ 90 डिग्री एंगल से पेंडुलम को छोड़ा, हम डायग्राम बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने पेंडुलम को छोड़ा और ये कुछ एक्स हाइट पे पेग है, तो ये जब नीचे आएगा तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा, अब ये यहाँ आके फिर यहाँ से ये कुछ कुछ इस टाइप से ये घूमेगा, ये सर्कल इसका पास हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे अब अपन नॉर्मल लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन टेंशन इक्वल टू जीरो वाला कंसेप्ट, तो क्या हो जाएगा मेरे पास मान लेते हैं इसको अपन पॉइंट ए था, ये था पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, सो टू कंप्लीट सर्कल ये क्या है सी पार्ट, टू कंप्लीट सर्कल क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे इसका कुछ भी हो जाता है तो क्या हो जाएगा एम भी स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना बचा है टोटल लेंथ एल है और एक्स तो इसका पेग के साथ ये वाला लेंथ मूव कर नहीं रहा है, तो ये लेंथ बचा कितना एल माइनस एक्स के बराबर, तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए एम जी
इस पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए एट सी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एम खत्म होगा जी इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में एनर्जी कंजर्व करवा रहे हैं, तो क्या बचेगा, ये कितना हाइट नीचे आया, ये वाला हाइट, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये है एल माइनस एक्स और ये टोटल एक्स है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ एल और एल माइनस ये वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं एल माइनस एक्स का। तो यहां से अपन लिख सकते हैं तो ओसी पार्ट जो है ये मान लेते हैं इसको ओ, तो ओसी क्या हो जाएगा एल माइनस, ये लेंथ कितना माइनस करना पड़ रहा है, डायमीटर ऑफ द सर्कल जिस पार्ट पे ये मूव कर रहा है इसका रेडियस कितना है, तो एल माइनस एक्स, तो ट्वाइस ऑफ एल माइनस एक्स ये माइनस करेंगे तो ये अपना एच का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू एनर्जी कंजर्व करवा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इंटू एल माइनस टू इंटू एल माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा एल माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एम जी इंटू टू एक्स माइनस एल। तो यहाँ से आपके पास एम को हटा दीजिए दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी इंटू टू एक्स माइनस एल के बराबर, ये हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से अपन निकाल सकते हैं ये जी इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी इंटू टू एक्स माइनस एल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है एल माइनस एक्स का स्क्वायर और ये है टू जी इंटू एल माइनस एक्स। सॉरी एम वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स, तो वी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा जी इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू टू जी इंटू टू एल माइनस एक्स। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका थ्री एल बाय फाइव। तो आपसे पूछा है क्या फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय एल, तो आपके पास एक्स बाय एल जो है वो आ जाता है क्या थ्री बाय फाइव इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स के बराबर, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम जी के बराबर होगा ना, एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर गलती से लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। सो क्वेश्चन नंबर 61, इट सेज ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज kept on a top of a smooth sphere of radius r, it is given a sharp impulse which impart it a horizontal speed u, find the normal force between the sphere and the particle just after the impulse। uske baad second part mein what should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere, third part hai assume the velocity v to be half द मिनिमम कैलकुलेटेड इन द पार्ट, यहाँ पे बी होना चाहिए पार्ट बी, फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द स्फीयर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन इसमें, सबसे पहले जब यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मल फोर्स जब पार्टिकल को वी वेलोसिटी दिया गया तो क्या होगा, पार्ट ए जब यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल है यहाँ पे हमने इसको कुछ वेलोसिटी भी दिया है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे क्या लग रहा है एम जी, ऊपर एक और क्या लगेगा नॉर्मल, हम अगर लिखना चाहें फोर्स तो क्या हो जाएगा एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम
वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ये हो गया क्या नॉर्मल फोर्स एट इस पॉइंट पे जब हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे। उसके बाद बोला है पार्ट बी में व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप। अब पार्टिकल इस पर स्लिप नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए अपने पास पार्टिकल पे अगर हम थोड़ा सा वेलोसिटी कुछ दिए हैं तो पार्टिकल इस पर आगे बढ़ेगा तो ये स्लाइड करता हुआ ही जाएगा। बट इसमें अगर एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है वो एम जी के बराबर हो जाए तो इसी पॉइंट पे ये पार्टिकल कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। तो जब यहाँ पे फॉर पार्टिकल नॉट टू स्लीप यहाँ पे क्या होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए, एम से एम खत्म यहाँ पे, तो भी इक्वल्स टू रूट अंडर जी आर के बराबर देने के देंगे वेलोसिटी तो पार्टिकल जो है वो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, यही पूछा था हमसे। इसके बाद सी पार्ट में है कि एज्यूम द पार्टिकल, एज्यूम द वेलोसिटी जो है वो भी दिया गया है, भी बी द हाफ द मिनिमम वेलोसिटी इन पार्ट बी, मतलब इसका हाफ दिया गया है। तो अपन पार्ट सी में देखते हैं, जब हमने इसको कुछ वेलोसिटी दिया है यहाँ पे भी इक्वल्स टू पिछले पार्ट में कितना आया था आंसर रूट अंडर जी आर, तो रूट अंडर जी आर बाय टू, तो ये कौन से पॉइंट पे जाके लूज करेगा कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं अपन। आसान सा चीज है, मान लीजिए कि एंगल थीटा बना रहा है जब ये कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, तो ये चीज तो पिछले क्वेश्चन से ही करते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बाहर की ओर फोर्स क्या लगेगा इसको हम, ये वी नोट है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा, ये एम जी था ये थीटा था, हम क्या लिखेंगे एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से अपने पास वी स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है जी आर कॉस थीटा के बराबर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। नाउ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइट कितना मूव किया है तो एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, जो हमने लिखा है ये इनिशियल उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है तो हमें उसको भी लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ एम वी नोट स्क्वायर अब आएगा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी नोट का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम इंटू भी क्या था रूट अंडर जी आर, तो जी आर बाय रूट अंडर जी आर बाय टू है तो जी आर बाय फोर, और ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम तो पहले काट देते हैं टू जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस जी आर बाय फोर, तो यहाँ से अपने पास इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अपन क्या लिख सकते हैं जी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू टू जी आर माइनस टू जी आर कॉस थीटा प्लस जी आर बाय फोर, तो यहाँ से अपन जी आर को हटा देते हैं सब में है कॉमन कैंसिल, तो ये टू प्लस वन बाय फोर तो क्या हो गया चार यानी आठ एक नाइन बाय फोर, तो नाइन बाय फोर ये प्लस में है इधर है हाँ, तो नाइन बाय फोर इक्वल्स टू क्या हो गया ये कॉस थीटा माइनस और इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा तो टू वन थ्री कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया ये थ्री से तीन तीन नौ तो थ्री बाय फोर,
तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/4। जब ये थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/4 एंगल मूव करेगा उसके बाद ये कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर पार्ट सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है फिगर शोज ए स्मूथ ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट इंक्लाइन पार्ट ऑफ लेंथ एल ज्वाइनिंग ए स्मूथली विद द सर्कुलर पार्ट। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन फ्रॉम इट्स बॉटम। मतलब यहाँ से हमने एक पार्टिकल को छोड़ा है। फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्टेड स्पीड वी नोट फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। इसमें एक एक पार्ट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले ये पार्ट में, तो यहाँ से हमने मान लीजिए कुछ फिक्स्ड भी स्पीड दिया और पार्टिकल यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहाँ तक का लेंथ तो ये दिया हुआ है एल है। इसमें थोड़ा सा इसने लेंथ को आगे बढ़ा के दे दिया है, ये लेंथ जो है ट्रैक का वो एल है। तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा बच रहा है, ये हाइट क्या बचेगा, तो ये एच अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। ये एंगल अगर बना रहा है ये एंगल अगर थीटा है तो तो ये एंगल अगर थीटा है तो अपना ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा। तो टोटल हाइट ब्लॉक जो है वो कितना मूव किया है, यहाँ तक आने में क्या लग रहा था इसको, चलिए इसमें एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। ब्लॉक को ऊपर मूव करने के लिए पीछे की ओर कितना लग रहा था, एम जी साइन थीटा के बराबर लगता है, ये एनएलएम में आप लोगों ने पढ़ रखा है। नीचे एम जी लग रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा के बराबर लगता है। तो हम पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो नेट फोर्स जब पार्टिकल ए से बी, इस पॉइंट पे मान लेते हैं बी, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं फाइनल एफ या सी मान लो चलो। तो फॉर ए टू बी में फोर्स क्या लग रहा था, वर्क डन जो हो जाएगा वो एम जी साइन थीटा इंटू लेंथ है एल, एल के बराबर लग गया। फिर फॉर बी टू सी में कितना वर्क डन किया, एम जी नीचे लग रहा था इंटू एच, एच क्या हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। तो हमें पता है कि मिनिमम वेलोसिटी बोला है कि मतलब पार्टिकल जस्ट यहाँ जाके रुक जाए, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है वर्क डन के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू एल प्लस एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपसे भी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 से इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, और एम तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों टर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो गया वी इक्वल्स टू रूट अंडर 2g को कॉमन ले लेते हैं दोनों के साइड है, और क्या बच गया एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो इतना वेलोसिटी अगर हम देंगे तो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये हो गया आपका आंसर फॉर पार्ट ए। अब पार्ट बी में बोला है एज्यूम द प्रोजेक्टेड स्पीड विथ 2V0 एंड द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग इट्स टॉप। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट वेन इट रीचेज द टॉप। मतलब जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जा रहा है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर से दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। ये एच जो है अपना वो क्या है आर माइनस आर कॉस थीटा, ये लेंथ एल है। अब यहाँ से पार्टिकल को हमने वेलोसिटी कितना दे दिया है 2V0 के बराबर, तो हम क्या करते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो इनिशियली क्या था लोएस्ट पॉइंट पे था तो उसमें वेलोसिटी क्या था हाफ एम इंटू 2V0 का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल क्या हो गया इसके पास
लेट से कुछ वेलोसिटी इसके पास बच जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जाके कुछ भी हो जा रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, एच कितना हुआ, तो देखिए यहाँ से ये हाइट कितना हो जाएगा, ये अगर एल है तो ये क्या हो गया एल साइन थीटा, तो एम जी इंटू प्लस एम जी इंटू एल साइन थीटा प्लस थोड़ा सा गंदा बन रहा है इसमें, एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा गंदा सा कैलकुलेशन है इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, भी निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं कि ये वाला भी, तो एम को हम कैंसिल कर देते हैं, जो जो कैंसिल हो उसको हटाते चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू से ये हो गया, तो दोनों साइड टू टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा फोर वी नोट स्क्वायर, फोर वी नोट स्क्वायर माइनस टू जी इंटू एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब इतना इसको हम मान लेते इक्वेशन वन। अब पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तो हमसे पूछा गया इसने फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप, तो नॉर्मल पूछा है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब इसने बोला है कि एज्यूम डैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज टू वी नॉट एंड द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीडिंग द टॉप, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप। तो ये फोर्स जो है वो नॉर्मल की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल अगर निकालेंगे तो ये आंसर जो दिया वो नहीं आ रहा, और वैसे भी फोर्स बोला इसने नॉर्मल नहीं बोला है, तो वो फोर्स क्या लग रहा है बाहर की ओर जो लग रहा है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर लग रहा है, सो फोर्स एक्टिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया एम इंटू ये वाला वैल्यू पूरा पुट करिए, तो यहाँ पे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा बाद में इसको हम वन इक्वेशन माने से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि वेलोसिटी जो है वो पहले पार्ट में जो वी नोट आया था उसका ट्वाइस है, पहले पार्ट में क्या आया था वेलोसिटी रूट अंडर टू जी एल इंटू जी एल साइन थीटा प्लस आर इंटू एल वन माइनस कॉस थीटा, ये था, तो अपने पास क्या आ जाएगा फोर इंटू टू जी इंटू एल साइन थीटा, फोर इंटू टू जी इंटू एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये था, और फिर है ये वाला पार्ट माइनस टू जी इंटू एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो ये टर्म देखिए दोनों में सेम है, ये वाला टर्म दोनों में सेम है, तो फोर चौदह आठ और माइनस दो, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल्स टू वी स्क्वायर है, तो यहाँ से अपने पास वी स्क्वायर जो आ जाता है वो आ जाता है सिक्स जी इंटू एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं फोर्स जो पूछा है वो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम का वैल्यू पुट कर दीजिए बस, तो सिक्स एम जी, अब आर से डिवाइड किया तो एल बाय आर हो जाएगा, यहाँ पे एल बाय आर
साइन थीटा प्लस ये आर कैंसिल, तो 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये था 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें पार्ट सी अब बचा है। पार्ट सी में आपसे बोला है एज्यूम दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन वी नॉट, वेयर विल द ब्लॉक लूज कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक। मतलब जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है पार्ट वन से, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जस्ट निग्लिजिबल होगा, जीरो के बराबर होगा। तो नॉर्मल केस आ गया अपने पास, जब अपने पास सर्कुलर पाथ होता था और यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते थे कुछ वेलोसिटी एकदम टेंस टू जीरो है, जस्ट यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा है स्लाइड करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, मान लेते हैं कि एंगल थीटा पे ये कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, तो बाहर की ओर क्या लग रहा था, एम वी स्क्वायर अपन आर, अंदर क्या था, एम जी कॉस थीटा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपन आर इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से अपने पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता सर, जी आर कॉस थीटा, ये हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद एनर्जी कंजर्व करवा देते हैं, तो यहाँ पे जस्ट वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी को निग्लिजिबल मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तीन चार बार अपन ने निकाल चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एंड सेकेंड थीटा का वैल्यू जो आ जाता है वो आता है कॉस यूनिवर्स 2/3 के बराबर। तो 2/3 कॉस यूनिवर्स 2/3 एंगल मूव करने के बाद ये बॉडी कॉन्टेक्ट लूज करेगा। ये था अपने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 63 काफ़ी अच्छा सवाल है ये, और इसको करने के लिए थोड़ा सा मैथ का यूज पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है ए चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम लाइज ऑन ए सरफेस ऑफ ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू एल विथ वन एंड टाइड टू द टॉप ऑफ द स्फीयर। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लाइड थ्रू एन एंगल थीटा, और सी पार्ट में है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt एट द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। चलिए ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है ये, इसको अपन देखते हैं। मान लीजिए ये स्फीयर है, यहाँ के टॉप मोस्ट पॉइंट से ये चेन कुछ इस टाइप से बंधा हुआ है और इसके अराउंड रखा हुआ है, मान लेते कुछ यहाँ तक है। अब चेन का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना चाहें, रिफरेंस लेवल लेना है आपको इसका सेंटर, तो ये अपना है आपका रिफरेंस पॉइंट। तो लेट से कि एक स्मॉल एंगल डी थीटा पर ये वो यहाँ से थीटा एंगल पे एक हमने डी थीटा एंगल लिया छोटा सा, तो इसका अपन मास लिख सकते हैं क्या, dm। तो इसके लिए अपन निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि आपको दिया हुआ है कि लेंथ जो है स्ट्रिंग का, वो लेंथ दिया हुआ है चेन का एल, तो अब ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर से वो हम निकाल सकते हैं क्या। तो एंगल सबटेंडेड क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ एल डिवाइड बाय आर के बराबर। तो यहाँ पे अपना ये टोटल एंगल जो अगर हम मान लें इसको कि यहाँ से ये बना रहे हैं कुछ फाय, तो ये जो होगा वो एल बाय आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन। एंगल एल बाय आर मेड बाय चेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को पहले इनिशियल निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं डीएम निकाल लेते हैं। डीएम क्या हो जाएगा, मास उसका एम दिया हुआ है, तो एम बाय एल इंटू ये डी थीटा के लिए, तो इसमें आर डी थीटा एम बाय एल इंटू आर डी थीटा हो जाएगा इसका डीएम। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि इस स्मॉल पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डी यू अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, डी एम इंटू जी इंटू, अब ये हाइट कितना है, ये लेंथ अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा के बराबर। तो डी एम इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा,
तो अगर हम कंप्लीट सर्कल का लिखना चाहें तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपन तो क्या हो जाएगा, एम बाय एल इंटू आर, डी थीटा को बाहर ले आते हैं, इंटू तो आर स्क्वायर जी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से u को निकालना है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जीरो से थीटा का वैल्यू l बाय r तक, और यहाँ पे स्मॉल वैल्यू ये जो du आया था इसको रख देते हैं, तो m बाय l r स्क्वायर g cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, और m l r स्क्वायर g ये सब तो कॉन्स्टेंट है, तो एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल और कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा जीरो से एल बाय आर, साइन जीरो जीरो, तो यहाँ से अपने पास आ जाता है एम आर स्क्वायर जी बाय एल साइन एल बाय आर। ये हो गया आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। नेक्स्ट सेकेंड में बोला है कि सपोज द चेन इज रिलीज एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन विच हैज स्लाइड डाउन थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेन को रिलीज कर दिया गया है, तो ये यहाँ से कुछ इस टाइप से था, मान लीजिए कि एंगल जो थीटा एंगल तक चेन स्लाइड हो चुका है, तो ये चेन अब यहाँ से इस टाइप से कुछ है। तो अगर हमें निकालना है क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, चूंकि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अर्थ का फोर्स लग रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल क्या था, अभी हमने निकाला था पहले यहाँ पे, हम अब इस पॉइंट पे इनिशियल तो हमें पता ही है, फाइनल के लिए अपन देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। मान लीजिए यहाँ से हमने कुछ एंगल लिया, ये एंगल अगर हम लेते हैं मान लीजिए डी फाइ, ये एंगल फाइ पे डी फाइ एंगल हमने अगर लिया है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की जब हम बात करेंगे तो डी यू क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन एम अपॉन एल, क्या आया था अपना एम अपॉन एल आर डी फाइ और इंटू आर कॉस फाइ। इसको हम लिख सकते हैं यू अगर लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा इसमें, अब इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, तो थीटा से लेके थीटा प्लस एल बाय आर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं टोटल लेंथ के, तो ये अपना हो जाएगा ये वैल्यू पुट करेंगे तो एम बाय एल आर स्क्वायर, एम बाय एल आर स्क्वायर और जी कहाँ गया, जी एम जी आर स्क्वायर बाय एल कॉस फाइ डी फाइ, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल, ये तो कॉमन हो गया, अब कॉस फाइ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन फाइ, तो साइन फाइ थीटा से एल प्लस आर थीटा, तो साइन थीटा प्लस एल बाय आर माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा वैल्यू फाइनल का यू फाइनल। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंगल डी फाइ मान के हमने ये लेंथ क्या हो गया आर डी फाइ के बराबर, तो यहाँ से डी यू निकाल लिया और ये फाइनल यू फाइनल ये हो गया,
तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो इनिशियल क्या था, एम आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय एल साइन एल बाय आर माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन इसके साथ लगाएंगे तो ये साइन वाला प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर जी बाय एल इंटू साइन थीटा यहाँ पे माइनस सॉरी तो साइन ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर माइनस साइन थीटा ये लिख लिया हमने। तो अब यहाँ से क्या करते हैं अपन एम आर स्क्वायर जी बाय एल को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा साइन एल बाय आर, अब ये माइनस ये हो गया और प्लस तो क्या लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाय आर, अब ये हो जाएगा आपका आंसर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब सी पार्ट में बोला है आपसे कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाय डी टी ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, तो सी पार्ट में जब स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर दिया चेन का तो डी वी बाय डी टी क्या होगा, तभी हमने क्या निकाला था काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया था इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन एल बाय आर साइन एल बाय आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर, ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं दोनों साइड डी वी बाय डी टी के टर्म में टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम इंटू टू वी इंटू डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू ये तो पूरा कांस्टेंट ही है तो एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल कॉमन ले लिए, अब साइन एल बाय आर ये भी कांस्टेंट ही है तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो बचेगा क्या ये साइन थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी माइनस साइन थीटा प्लस एल बाय आर है तो इसका भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एल बाय आर इंटू डी थीटा बाय डी टी तो यहाँ अपन ये हो गया आपका। तो अब हम क्या करते हैं इसको हाफ से ये खत्म, अब हमें भी का टर्म हटाना है तो भी को हम क्या लिख सकते हैं भी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में तो ओमेगा क्या होता है आर डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं हम इसको तो क्या हो जाएगा एम से एम काट देते हैं हटाओ इसको तो क्या हो गया भी इक्वल्स टू आर डी थीटा बाय डी टी इंटू डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर जी बाय एल इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर और ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी इसको भी कैंसिल कर देते हैं और आर से एक आर को हटा दीजिए तो यहाँ से आपके पास सुंदर सा आ जाता है आंसर जो कि है डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू आर जी बाय एल इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाय आर ये हो गया। अब इसने बोला है कि व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन तो मतलब जब थीटा इक्वल्स टू जीरो है उस टाइम में क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू कॉस जीरो क्या होता है वन और यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर जी अपॉन एल इंटू वन माइनस कॉस एल बाय आर
ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब जस्ट स्टार्ट किया स्लाइड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64, इट सेज ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए। ए पार्टिकल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बी टू द स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट स्लाइड्स। मतलब अपने पास मान लीजिए ये कोई एक स्फीयर है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रख दिया है और ब्लॉक का मास m दिया हुआ है। अब ये टोटल स्फीयर जो है वो पीछे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है उस एक्सेलरेशन a से, इस पे स्टूडियो फोर्स लगेगा एम ए के बराबर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्ट टू स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। हम मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा पे यहाँ पे पार्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पार्टिकल आ गया है तो ये लेंथ कितना होगा, ये अगर r है तो ये क्या हो जाएगा r साइन थीटा, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा r cos थीटा। तो ये हाइट कितना हो गया r माइनस r cos थीटा, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ पे आया है, हमसे पूछा है कि वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा। तो अपन निकाल लेते हैं कि हमें पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, जीरो, फाइनल जो है वही है। तो यहाँ पे एम जी कितना वर्क किया है इस हाइट तक, तो हम क्या लिखेंगे एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस सूडो फोर्स जो लग रहा है एम ए, ये कितना डिस्टेंस ले गया आर साइन थीटा के बराबर। तो एम ए इंटू आर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, खत्म कहानी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एम को हटा देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस ए आर ए आर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू रूट अंडर टू जी इंटू सॉरी टू आर इंटू टू आर इंटू जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी का फंक्शन ए साइन थीटा प्लस जी माइन इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा थीटा के टर्म में पार्टिकल का स्पीड का फंक्शन, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो कुछ मीटर पर सेकेंड में है। तो ये था अपना वर्क पावर एनर्जी का एचसीवी का सॉल्यूशन। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।